तो 25 जून आज के करंट अफेयर, सबसे पहला करंट अफेयर, आरबीआई विल सुपरवाइज कोऑपरेटिव बैंक्स। तो इससे पहले क्या होता था, जो कोऑपरेटिव बैंक्स जितने जो पंजाब एंड महाराष्ट्र और पंजाब का सिंध कोऑपरेटिव बैंक था, और भी तुम्हारे बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ठीक है, रूरल में भी अर्बन एरियाज दोनों में ऑपरेट करते हैं। तो पहले कुछ जुरिस्डिक्शन उसके आरबीआई के अंडर आती थी और कुछ रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंडर आती थी, ये दोनों मिलके चलाते थे। अब इसके कारण क्या होता था, जब तुम एक को जिम्मेदारी नहीं देते, इसके बदले दो को जिम्मेदारी दे देते हो, दोनों अपना अपना काम टालने को होते हैं। दूसरे को लगता है दूसरा कर तो देगा, तो मुझे इतना करने की क्या जरूरत है। तो आरबीआई का वैसे तो बैंक्स को मैनेज करने का, जैसे जितने बाकी तुम्हारे कमर्शियल बैंक्स पढ़ते हैं, चाहे एसबीआई, आईसीआईसी प्राइवेट हो, चाहे मेरा मतलब पब्लिक हो, ठीक है, एसबीआई पब्लिक हो गया, आईसीआईसी, एचडीएफसी, ये सारे प्राइवेट हो गए, ये सारे आरबीआई को रिपोर्ट करते हैं। पर जो कोऑपरेटिव बैंक थे ना, इनमें क्या हो रहा था, ये डुअल ज्यूरिसडिक्शन कारण बहुत सारे पिछले कुछ सालों में स्कैम निकल के आए और दो तीन बैंक्स फेल भी हो गए हैं, ठीक है, पिछले साल ही होके हटा है, जैसे महाराष्ट्र में एक बैंक। तो ये बैंक्स का फेलियर और जो स्कैम्स था, इसने सरकार को मजबूर किया कि इसकी ज्यूरिसडिक्शन भी आरबीआई के अंडर ही शिफ्ट की जाए, ताकि जो एक्चुअली बैंक संभालने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनी है उसके अंडर जब रहेगा तो वो हर रूल्स एंड रेगुलेशंस आरबीआई से मनवाएगा, कितने पैसे सिक्योरिटी के तौर पे रखने हैं, कैसे मैनेज करना है अपने आप को, आरबीआई के अंडर सारी गाइडलाइंस माननी पड़ती हैं, तो बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट होगा। तो कई चीजें जो पहले जिनमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज को छूट थी और वो जिसके कारण ये सारी माल प्रैक्टिसेस कर जाते थे, वो सारे अब लूपहोल्स बंद किए जाएंगे, ठीक है। अर्बन एरियाज में कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे कुछ पॉइंट्स, तो 1996 तक जो ये बैंक्स थे, इन्हें सिर्फ नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लोन देने अलाउड थे अर्बन एरियाज वाले कोऑपरेटिव को, एग्रीकल्चरल लोन्स नहीं दे सकते, पर 1996 में ये चेंज कर दिया गया, अब किसी को भी लोन दे सकते हैं ये। तो बेसिकली इनका जो ओरिजिन का मेन चीज है, ये कम्युनिटीज के और लोकैलिटीज के आसपास के लोगों को, मतलब कोऑपरेटिव का जो मतलब ही होता है, कोऑपरेटिव का मतलब होता है सबको साथ लेके वर्किंग बनाना, कोऑपरेट करके वर्किंग बनाना। तो एक डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट जिसमें ऑर्गेनाइजर्स और लेंडर्स, मतलब डिपॉजिटर्स और लेंडर्स दोनों बराबर का रोल प्ले करें, ठीक है, और एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो, चाहे प्रिंसिपल में नहीं होती, सॉरी एक्चुअल में नहीं होती, पर प्रिंसिपल्स में ये चीज जरूर होल्ड करती है, ठीक है। तो सबसे पहले अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इंडिया में कब ओपन होने शुरू हुए, तुम्हें ये मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो क्लोज टू 19th सेंचुरी, क्लोज ऑफ 19th सेंचुरी, यानी कि जब तुम्हारा 1900 आने वाला था, 1890s के करीब, ये जाके ओपन होने लगे, मतलब इससे इस पीरियड के बीच में, ठीक है। सेंचुरी हमेशा याद रखो, सेंचुरी हमेशा एक आगे होती है, यहाँ पे 19th सेंचुरी लिखा है, यानी कि पीरियड 1800 वाला चल रहा होगा, जब 1900 आया 20th सेंचुरी चल रही थी, अब हम 2000s में हैं और 21st सेंचुरी चल रही है, ठीक है। तो इस चीज में कभी कंफ्यूज नहीं होना, और बिकॉज अगर कंफ्यूज हो गए तो गलत ऑप्शन भी मार्क कराओगे, इस कारण मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्लियर। तो इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो तुम्हें बेसिक प्रिंसिपल बताया, म्यूचुअल हेल्प, डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, ओपन मेंबरशिप, ऐसी चीजों पे इन्हें बनाया गया था। सबसे पहला जो नोन म्यूचुअल एड सोसाइटी या कोऑपरेटिव बैंक कह लो, वो अन्योन्या सहकारी मंडली थी, जो एस्टर वाले बड़ौदा स्टेट, जो सेंट्रल सेंट्रल इंडिया में पड़गी, मतलब ये उस टाइम प्रिंसली स्टेट होती होती थी ब्रिटिशर्स के अंडर, यहाँ पे जो बड़ौदा था ना, ये राजे के अंडर था, स्टेट ऑफ बड़ौदा में अनोन्या सहकारी मंडली किसी ने बनाई थी 1889, किसने बनाई थी, विठल लक्ष्मी ने, ठीक है, उन्हें बाऊ साहेब
कवथेकर, मैं अगर सरनेम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो विट्ठल लक्ष्मण या बाबू साहेब के नाम से याद रख लो, ठीक है, कवथेकर। तो इन्होंने सबसे पहली बनाई थी, तो तुम्हें ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहली नोन कोऑपरेटिव बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी सबसे पहले नोन है, या कौन सी स्टेट में बनी थी, स्टेट ऑफ बड़ौदा में बनी थी, ठीक है। उस टाइम बड़ौदा बिल्कुल अलग इलाका होता था। नेक्स्ट है, पहली बारी सरकार ने कब एक्ट बनाया था, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट 1904, ब्रिटिशर्स ने 1904 में ये एक्ट सबसे पहले बनाया था, ताकि इन्हें एक लीगल स्टेटस, एक लॉफुल स्टेटस मिल सके, और अगर ये कोई गलत प्रैक्टिसेस करते हैं तो लोग इनके अगेंस्ट कोर्ट भी जा सके, ठीक है। जिसके अंडर सबसे पहली जो कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर हुई थी वो कांजीवरम में रजिस्टर हुई थी 1904 में, क्लियर। उसका नाम नहीं लिखा हुआ था, ये तुम्हारे आरबीआई की वेबसाइट से डायरेक्टली इंफॉर्मेशन ली हुई है, तो आरबीआई वाले ने उसका नाम नहीं लिखा हुआ था, बस मद्रास प्रोविंस में 1904 में सबसे पहले रजिस्टर हुई थी ये लिखा था। तो एग्जामिनर के पास भी यही सोर्स है जो हमारे पास है, उन्होंने भी आरबीआई, जो गवर्नमेंट वेबसाइट होती है सबसे ज्यादा क्वेश्चन उन्हीं से ही रेलिवेंट, वहीं से सबसे ज्यादा निकलते होते हैं। तो अगली चीज तुम्हारी बॉम्बे अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, वन ऑफ द मोस्ट फेमस रही है, ठीक है। इससे विट्ठल दास ठक्कर से और लालू भाई सामल दास, इन दोनों ने मिलके 1906 में, डेट्स याद करने की जरूरत नहीं होती, बस साल याद रखो। आज के मामले में तुम्हें एक चीज याद रखने की जरूरत है, देखो मैंने तुम्हें, हमने जब क्या कहते हैं इंडियन पॉलिटी पढ़ी थी, तब उसमें हम शेड्यूल 7 पढ़ते हैं। शेड्यूल 7 किस चीज का होता है? शेड्यूल 7 होता है जो सारी जिम्मेदारियों को तीन हिस्सों में बांटता है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और हमारी कॉन्करेंट लिस्ट। जो तुम्हारा कोऑपरेटिव्स का सब्जेक्ट है ना, ये स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट है, तुम्हें डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि जो कोऑपरेटिव्स के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल होता है, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो चाहे लोकल कोऑपरेटिव्स हो, उनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट्स का कंट्रोल होता है, सेंटर की सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। तो आरबीआई जैसे, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होता है, कई बार दो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं ये आपस में जुड़ के बनाती हैं, या अगर कोई प्राइवेटली कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहता है तो वो किसी ना किसी स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट के अंडर रजिस्टर करेगा, सेंटर के एक्ट के अंडर कुछ नहीं रजिस्टर होता, ठीक है। तो अगर तुमने कोऑपरेटिव सोसाइटी चलानी है, बनानी है, कुछ भी करना है, तो तुम हमेशा स्टेट के अंदर रजिस्टर करोगे, जिस स्टेट के अंदर तुम वो कोऑपरेटिव बनाना चाहते हो। फिर मल्टीपल अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन में तुम ऑफिसेस खोल सकते हो, पर कोऑपरेटिव ओरिजिनली सिर्फ एक में रजिस्टर करोगे। तो ये स्टेट सब्जेक्ट पड़ता है, इसमें सेंटर का कोई रोल नहीं है, इन्हें स्टेट्स चलाती हैं। ये कब से हो रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से इसे स्टेट्स को दिया हुआ है, ठीक है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट बन गया था, प्रोविंसेस का मतलब स्टेट्स होता है, तब से स्टेट्स। तुम्हें डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी आ सकता है बिना कोऑपरेटिव बैंक से किसी चीज को रेफर किए हुए, कि कोऑपरेटिव्स का जो सब्जेक्ट है वो कौन सी शेड्यूल 7 की लिस्ट में मेंशनड है, तो तुमने आंसर मार्क करके आना है स्टेट लिस्ट, जिससे तुम्हारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। बस इतनी सी बात है। आगे, इन स्पेस क्या है? इंडिया की इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर बनाया जा रहा है, यूनियन कैबिनेट ने इसके अप्रूवल दे दिया है इसके क्रिएशन का। इससे होगा क्या, हम अभी तक इंडिया के जितने भी स्पेस मिशन हैं सब कुछ इसरो लीड करता है, जो हमारी स्पेस एजेंसी है मेजर, पर ये गवर्नमेंट की एजेंसी है, पब्लिक सेक्टर की एजेंसी है। जैसे हमने इकोनॉमी में देखा, हम 1990s के टाइम से प्राइवेट सेक्टर को बहुत बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज लीड और नेशनल वेल्थ जो जनरेट होगी वो प्राइवेट सेक्टर के ग्रोथ से ही होगी, ठीक है। मतलब पब्लिक अच्छा कर रहा है, कई सेक्टर्स में पब्लिक सेक्टर अच्छा कर रहा है, जैसे इसरो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पर प्राइवेट सेक्टर भी जब इस रेस को एंटर करेगा, ठीक है, तो अपने आप हम इस रेस में और एक्सलरेट कर पाएंगे। जैसे अगर तुम
यूएसए लगाओ, यूएसए में नासा का बजट हमारे बजट से 100 गुना ज्यादा है, इसरो के बजट से 100 गुना ज्यादा है। पर अभी तुमने रिसेंटली देखा होगा, तुम्हारे एलॉन मस्क ने रॉकेट लॉन्च करके यूएसए के साइंटिस्ट तो उनके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचाए हैं। तो वहां पे अब प्राइवेट सेक्टर, जैसे तुम्हें ये क्वेश्चन भी आ सकता है, वैसे पीसीएस जैसे क्वेश्चन में एलॉन मस्क पीसीएस एचएस में एलॉन मस्क की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, क्या नाम है कोई भी? अरे बहुत ही आसान है, स्पेस एक्स, ये उसकी स्पेस एजेंसी का नाम है। ये प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है, स्पेस एक्स एलॉन मस्क की बनाई हुई इंडस्ट्री है, जिन्होंने अभी कुछ पिछले महीने ही लॉन्च किया था, और इसी महीने लॉन्च किया था, इसी में पिछले महीने लॉन्च किया था। तो बहुत ही कामयाब ऑपरेशन रहा, ठीक है, जिससे प्राइवेट सेक्टर कितना ग्रो कर सकता है स्पेस में, इससे अंदाजा लगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये क्यों जरूरी है इंडिया के लिए, मतलब हम क्यों इस साइड पे फोकस करना चाहते हैं? देखो, हर एक टेक्नोलॉजी की ना एक एज होती है। अगर तुम उस एज में बाकी सबके साथ या तो तुम लीड नहीं लेते हो या साथ साथ नहीं वॉक कर रहे हो, वो पूरी सेंचुरी तुम्हारे हाथ से आने वाले 100 साल तक तुम मतलब डेवलप्ड कंट्री नहीं बन पाओगे। जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस की मतलब रेस में अगर हम बात करें, और भी फील्ड्स में होती है, जैसे स्टार्टिंग में वर्ल्ड वॉर 1 वो जीते जिनके पास सबसे एडवांस मशीन गन्स थी, ठीक है, मशीन गन्स आ गई और तुम्हारी शिप्स थी। इस टाइम तुम्हारी चाहिए थी नेवी की पावर, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम ये लीड लैंड पे टैंक्स ने ले ली और हवा में एयर फोर्स क्रिएट हो गई थी, पहली बारी एयर फोर्स पिक्चर में आती है, ठीक है। उसके बाद मतलब मूविंग फर्दर इन द टेक्नोलॉजी, अभी रीसेंट टाइम में जो कंट्रीज साइबर स्ट्रॉन्ग नहीं है उन पे अब साइबर अटैक्स बहुत ज्यादा, अब हर कंट्री एक दूसरे पे गोले बारूद फेंकने का कोई फायदा नहीं होता, अब हर कंट्री क्या करती है एक दूसरे पे साइबर अटैक्स लॉन्च करती है। स्पेशल सेल बने हुए हैं सारे मिलिट्री इंटेलिजेंस, ऑलमोस्ट सारी दुनिया की आर्मी जितनी एडवांस आर्मी है सबने बनाई हुई है, हमारे पास भी है। हम क्या करते हैं एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट वेबसाइट्स, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पे लगातार साइबर अटैक्स लॉन्च करते रहते हैं। हमारी वेबसाइट सॉरी सैटेलाइट्स के ऊपर, वेबसाइट्स के ऊपर, कंप्यूटर नेटवर्क्स के ऊपर साइबर अटैक्स लॉन्च होते रहते हैं। अगला जो फील्ड कंपटीशन का जनरेट हो रहा है वो है स्पेस। इंडिया वर्ल्ड वॉर 1 में भी, वर्ल्ड वॉर 2 में भी, और साइबर में हम बहुत लेट आए हैं। स्पेस ऐसा फील्ड है जिसमें इंडिया ऑलमोस्ट बैलेंस करके चल रहा है, ठीक है, पर ये सारे बैलेंस का बर्डन इसरो के ऊपर है। तो हम यूएसए के पाथ पे चलते हुए इससे थोड़ा वाइडन अप करना चाहते हैं और प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करके प्राइवेट कंपनीज भी इसमें आगे आए। और कहने को तो हमेशा एम यही होता है कि नेशनल डेवलपमेंट, पर अल्टीमेटली एम यही होता है कि ग्लोबल डोमिनेंस बिठानी है इस फील्ड में, ठीक है। तो हमारे पास इस बारी अच्छी लीड है कि हम इसमें अगर काम करें तो हम एक्चुअली ये जो 21st सेंचुरी पूरी चल रही है इसमें हम एक्चुअली अपने आप को एक डेवलप्ड देश के तौर पे देख पाएंगे, ठीक है। तो इन स्पेस विल आल्सो हैंड होल्ड प्रमोट एंड गाइड प्राइवेट इंडस्ट्रीज इन स्पेस एक्टिविटीज थ्रू इनकरेजिंग पॉलिसीज एंड फ्रेंडली रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। तो कोशिश करेंगे कि ऐसी पॉलिसीज, ऐसी रेगुलेटरी बन पाए जिससे ये और ज्यादा बेटर काम कर पाए। एक हम इसके लिए एजेंसी भी क्रिएट कर रहे हैं, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या है, ये मतलब सरकार ही से चलाएगी, इसे स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया जा रहा है। इसका काम होगा इस सेंटर को चलाना, नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर,
इसे चलाने के लिए जो मेन एजेंसी है ये तो मतलब सेंटर है ना, एक अभी एक खुला है, धीरे धीरे और बढ़ाएंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो मतलब एक खुला नहीं अभी तक, खुलने का प्रपोजल एक का आ गया है, अभी इसके बाद साइट मार्क की जाएगी, सब कुछ किया जाएगा। तो इसे चलाने की जिम्मेदारी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की होगी। ये एक तरह से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पे काम करेगा, जिसमें सरकार के लोग भी रोल प्ले करेंगे और तुम्हारे प्राइवेट सेक्टर भी रोल प्ले करेंगे। ठीक है, इसका काम होगा इस टाइम जैसे हम सप्लाई ड्रिवन मॉडल के ऊपर काम करते हैं कि जितना हमारे पास रिसोर्सेज हैं हम उसके अकॉर्डिंग ही मिशन लॉन्च कर सकते हैं। इसे चेंज करके हम डिमांड ड्रिवन पे लाना चाहते हैं। देखो इकोनॉमी में दो ही चीजें होती हैं, एक होती है सप्लाई और एक साइड होती है डिमांड, एक साइड सप्लाई और एक साइड डिमांड। ये दोनों बेसिकली ऑपरेट कैसे करते हैं, अगर कम कोई चीज फैक्ट्री से बन के आएगी, ठीक है, और अगर उसमें लोगों की डिमांड होगी तभी एक अच्छी इकोनॉमी चल सकती है। मतलब दोनों साइड एक बैलेंस ग्राफ चाहिए होता है कि सप्लाई भी हो डिमांड भी हो, मतलब तुम चीजें बना रहे हो पर बिक नहीं रही तो अल्टीमेटली तुम्हारी वो कंपनी बंद हो जाएगी। पर दूसरी साइड पे अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो जैसी चीज मार्केट में आएगी साथ के साथ खत्म हो जाएगी। तो इसके कारण ये बैलेंस जरूरी है। ठीक है, तो ये इकोनॉमी में डिटेल में पढ़ते होते हैं, सप्लाई डिमांड इन सारे ग्राफ ग्रुप्स जितनी भी चीजें हैं। अभी सिर्फ बताने के लिए कि जितनी डिमांड आए हम डिमांड को पूरा कर पाए, ना कि हम इस चीज की वेट करेंगे कितनी चीज क्रिएट हो पा रही है उसके अकॉर्डिंग ही हम पूरा कर पाएंगे। अगर देश में डिमांड है कि सैटेलाइट्स का नेटवर्क और बढ़ाया जाए, मतलब जैसे अभी हमारा नाविक जो हमारा अपना, जैसे हम जीपीएस यूज करते हैं ना, जो जीपीएस सिस्टम है जो तुम्हें लोकेशन बताता है ये एक्चुअली इंडिया का नहीं है, ये यूएसए का है। हमारा जो नेविगेशन सिस्टम है वो उसका नाम है नाविक, जो इंडिया का बनाया हुआ है। जीपीएस दुनिया में हर जगह फैला हुआ है, नाविक इंडिया से आसपास 5,000 किलोमीटर का तक का रेडियस कवर करता है, मतलब इंडिया और इंडिया के आसपास सारा 5,000 किलोमीटर तक कवर करता है। ठीक है, तो कल अगर हम चाहते हैं कि नाविक पूरी दुनिया कवर करे तो और सैटेलाइट्स और बहुत जल्दी सैटेलाइट्स लॉन्च करनी पड़ेंगी और पुरानी रिप्लेस करने की नीड हर टाइम रहेगी। तो इस कारण हमें ये नहीं देखना कि कितने टाइम में हम चीजें बना पाएंगे और लॉन्च कर पाएंगे, बल्कि जितनी जरूरत है हम उस हिसाब से लॉन्च कर पाए, तो इसलिए ये इनिशिएटिव उठाया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे इसके पॉइंट्स हैं। आगे इसरो बारे कुछ पॉइंट्स। इसरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है, जैसे बताया इसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में है। ठीक है, नाम चेंज करके बेंगलुरु कर दिया था, बैंगलोर ही आज तक बोला जाता है। इससे इसके विजन है हार्नेस करना स्पेस टेक्नोलॉजी को नेशनल डेवलपमेंट के लिए और स्पेस साइंस रिसर्च और प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन की इसके ऊपर जिम्मेदारी है। ठीक है, इसे ओरिजिनली बनाया कब गया था, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे पोस्ट इंडिपेंडेंस के बन के आ जाते हैं। जब इसे बनाया गया था इसका नाम था इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, इनकोस्पार। जवाहरलाल नेहरू जी की प्राइम मिनिस्टरशिप में इसे बनाया गया था, किस डिपार्टमेंट के अंडर, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर बनाया गया था। तब इसका डिपार्टमेंट तक सरकार में अलग से नहीं था। ठीक है, 1962 में ये बन गई थी एजेंसी। किस साइंटिस्ट ने जवाहरलाल नेहरू जी को इंसिस्ट किया था बनाने के लिए, विक्रम साराभाई ने। तभी जो स्पेस सेंटर का नाम, जो इसके हेडक्वार्टर का नाम है, वो विक्रम साराभाई सेंटर है। ठीक है, इसको पार बाद में बढ़ के इसरो का नाम उसे दे दिया गया 1969 में, और उसके लिए मतलब उस टाइम भी वो एटॉमिक एनर्जी के उसके अंडर ही रही, पर उसका अपना डिपार्टमेंट, अलग डिपार्टमेंट पूरे स्पेस को संभालने के लिए 72 में जाके बना, जब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के अंडर आता है, ये किसी मिनिस्ट्री या किसी और के अंडर नहीं आता, ये पीएम डायरेक्टली इस डिपार्टमेंट को मॉनिटर करते हैं। ये चीज याद रखना, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अंडर आता है,
ठीक है, जिसके अंडर इसरो काम करती है। क्लियर। तो इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट जो थी, सुना होगा आर्यभट्टा थी, जो हमने सोवियत यूनियन की मदद से लॉन्च की थी 1975 में। जो डीओएस है वो खुद मतलब प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के अंडर क्या पड़ता है, स्पेस कमीशन पड़ती है, जिसके मतलब चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर खुद है, फिर कुछ साइंटिस्ट होते हैं, तुम्हारे चीफ सेक्रेटरी होते हैं, ऐसे कुछ लोगों के साथ बनती है तुम्हारी स्पेस कमीशन, प्राइम मिनिस्टर के अंडर स्पेस कमीशन, प्राइम मिनिस्टर की चेयरमैनशिप में स्पेस कमीशन, स्पेस कमीशन को के अंडर पड़ता है डीओएस, डीओएस के अंडर पड़ता है इसरो। ठीक है, तो ये सारी चीज। तो मैं ये क्वेश्चन आ सकता है कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस कौन सी एजेंसी मैनेज करता है, या दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा क्या आ सकता है कि इनके हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है। जैसे इसरो तो खैर तुम्हें पढ़ा ही है कि हमने बैंगलोर में अभी ऊपर पढ़ के रहे हैं। इसरो की ही जो इंटरनेशनल ब्रांच है, जो मार्केटिंग ब्रांच है, उसे अंतरिक्ष कॉरपोरेशन कहते हैं। इसरो के साथ ही मिलकर काम करती है। अंतरिक्ष का काम क्या है, जैसे सुना होगा कि इसरो ने 102 सैटेलाइट्स लॉन्च की, 50 सैटेलाइट्स लॉन्च की, कभी 70 सैटेलाइट्स लॉन्च की। बेसिकली उसमें जो हमारी सैटेलाइट्स होती हैं, जो सरकार की अपनी सैटेलाइट्स हैं, वो 15 से 20 ही होती हैं। बाकी क्या है, फॉरेन के कुछ कंपनीज, कुछ प्लेयर जो अपनी सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, वो इसरो को पैसे देते हैं और इसरो के मशीन रॉकेट के ऊपर अपनी सैटेलाइट्स रख के लॉन्च करवा देते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों से कॉन्टैक्ट करना, प्राइस की बारगेनिंग करना, फाइनल प्राइस डिसाइड करना, और जो कमर्शियल एक्टिविटी करना, मतलब स्पेस को एज अ कमर्श के तौर पे यूज करना, पैसे कमाना स्पेस से, वो अंतरिक्ष का काम है, अंतरिक्ष कॉरपोरेशन का। ये मार्केटिंग आम है इसरो की। इसरो की पूरी दुनिया में मार्केटिंग करती है, कोशिश करती है ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट ला सके, उन्हें कन्वर्ट करके फिर भेज सके। फिजिकल रिसर्च लैब तुम्हारी अहमदाबाद में है। नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लैब तुम्हारी आंध्र प्रदेश में गदनकी में है। फिर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो ओपन हो रहा है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है, ये भी बैंगलोर में ओपन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, नॉर्थ ईस्टर्न के लिए जो बनाया गया है वो उमियाम में बनाया गया है। इसकी स्टेट चेक कर लेना, यहाँ पे स्टेट में लिखी हुई, इसकी स्टेट चेक कर लेना, इसे सर्च करोगे इसकी स्टेट आ जाएगी, स्टेट यहाँ पे सर्च कर लेना। ठीक है, उसके बाद सेमीकंडक्टर लैब तुम्हारे बोहाली में है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये त्रिवेंद्रपुरम में है। इंडिया स्पेस यूनिवर्सिटी भी इसे कहा जाता है, मतलब जिसके अंडर है इंडिया की स्पेस यूनिवर्सिटी त्रिवेंद्रपुरम में पड़ती है, वहाँ पे ये सेंटर लोकेटेड है। क्लियर है। नेक्स्ट इज पाकिस्तान टू चेन एफएटीएफ ग्रे लिस्ट। तो तुम्हारी एक जो इंटरनेशनल एक ना ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये ना दो चीजें मॉनिटर करती है, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरा एक तो मनी लॉन्ड्रिंग ये मॉनिटर करती है और दूसरा टेरर फंडिंग ये मॉनिटर करती है, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग। तुम्हें डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, ये पहले भी क्या कहते हैं यूपीएससी क्वेश्चन खैर पूछ चुकी है, ये स्टेट सर्विसेज में आ सकता है। ठीक है, एफएटीएफ का क्या काम है, तो उसका काम क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग मॉनिटर करना और टेरर फंडिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, जो जैसे कहते हैं जैसे हवाला का पैसा, होता क्या है कि तुम अपनी ब्लैक मनी, जैसे कई ना ऐसी दुनिया में कंट्रीज हैं जो बहुत ही ओपेक हैं अपनी मनी, कितना पैसा आया कहाँ से आया, ये दुनिया की ऑर्गेनाइजेशंस या दुनिया की बाकी कंट्रीज से ना शेयर नहीं करती,
और यहाँ पे जो अपने टैक्स है ना वो बहुत ही लो है, या तो लो है या है ही नहीं। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे किसी ने अपना पैसा सेफली, मतलब लेट्स सपोज इंडिया से बाहर किसी ने पैसा सेफली रखना है, ठीक है, उसके पास बहुत सारा काला धन है और उसने छुपा के रखना है, वो ऐसी कंट्रीज में पैसा भेजता है जहां से पैसा ट्रैक ना हो पाए, मतलब वहां पे पैसा जाएगा उनके बैंक्स में पड़ा रहेगा, वो कभी इंडिया से इंफॉर्मेशन शेयर ही नहीं करेंगे, या यहाँ से वो पैसा मल्टीपल जगह पे जंप करवाएंगे, ठीक है, और वापस इंडिया में भी आ जाएगा। तो ऐसी जगहें ना टैक्स हेवन मानी जाती हैं, ठीक है, और मनी लॉन्ड्रिंग की प्रैक्टिस में, यानी कि इनकी पैसे कैसे आते हैं, इस कंट्री में पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा ओपेकनेस रहती है कि पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है। और ये कंट्रीज कोऑपरेट नहीं करती इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, इस कारण इन्हें, खासकर एफएटीएफ इन्हें मॉनिटर करने लग जाता है। एफएटीएफ में होता क्या, मतलब दूसरा बता दूं फिर मैं एफएटीएफ का बेसिकली काम बताता हूँ क्या करता है। टेरर फाइनेंसिंग में जैसे तुम्हारा पाकिस्तान, पाकिस्तान तुम्हारी इसकी लिस्ट में इसलिए पहुंचा है, पाकिस्तान का पैसा कैसे अल्टीमेटली टेररिज्म में लग रहा है, इसके ऊपर अब पूरी दुनिया की नजर आई हुई है, ठीक है, अब हो गए हैं एफएटीएफ की लिस्ट पे घूमते हुए एटलीस्ट 2 साल हो गए हैं पाकिस्तान को। तो अगर कोई कंट्री यहाँ तो मनी लॉन्ड्रिंग की प्रैक्टिस करवा रही है, यानी कि लोगों का पैसा इधर से उधर जंप करवाने में मदद कर रही है, ठीक है, या टेरर फाइनेंसिंग के उसका जो अपना पैसा है, स्टेट, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट जो खुद है, ठीक है, उसका पैसा कहीं और टेररिज्म फैलाने पे लग रहा है, ऐसी कंट्रीज को एफएटीएफ अपनी पहले तो ग्रे लिस्ट में डालती है और लास्ट लिस्ट होती है ब्लैक लिस्ट। इनमें होता क्या है, ब्लैक लिस्ट में जाते हुए या ग्रे लिस्ट में जाते हुए, जब एफएटीएफ की तुम्हारे ऊपर नजर आ गई ना, या मतलब ग्रे लिस्ट की आ गई, बाकी सारी कंट्री सेफ ग्रीन लिस्ट में है, सेफ लिस्ट में है, ग्रे का मतलब होता है वार्निंग, ब्लैक का मतलब होता है कि अब तुम टारगेट बन गए। वार्निंग के फेज में भी तुम्हारे ऊपर क्या शुरू हो जाता है, तुम्हें अब कंट्री में आने वाले हर पैसे का हिसाब देना पड़ता है। लेट्स सपोज पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कितना पैसा आया और वो अल्टीमेटली कहाँ गया, ये तुम्हें हिसाब देना पड़ता है। अगर ये कंट्री रिफ्यूज करे कि हम हिसाब नहीं देंगे, या ये पहले पैसा कहीं और जो लग रहा था उसे वो चैनल, मतलब टेरर फाइनेंसिंग है, उन चैनल्स को बंद करने की कोशिश नहीं करती और अल्टीमेटली बंद नहीं करती, तो ये जो पीछे मनी की सप्लाई है ना, इंटरनेशनल पैसे की सप्लाई, ये कट कर दी जाती है, इसे लिमिट कर दिया जाता है। ऐसा कैसे करते हैं, देखो दुनिया के ना सारे के सारे जितने भी बैंक्स हैं, हर बैंक जो दुनिया का है अल्टीमेटली ना एक सेंट्रल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, जिससे सारे बैंक्स आपस में पैसा चेंज करते हैं। वो क्या है, उस नेटवर्क को कहते हैं स्विफ्ट। याद रखो ये बैंक्स का एक नेटवर्क है जिससे बैंक्स आपस में सेफली और सिक्योरली वेरीफाइबल वे में कंट्रीज के बीच में ट्रांजैक्शन कैरी आउट होती है। तो इसमें सारे सेंट्रल बैंक्स एक तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, सेंट्रल बैंक्स जुड़े हुए हैं, मतलब आरबीआई हमारे इंडिया के बैंक्स की पेमेंट सेटल करेगा, उसके बाद आरबीआई के पास कोई भी फॉरेन कंट्री का कोई हिसाब बचेगा उसे आरबीआई कैरी आउट करवाएगा, किस नेटवर्क के थ्रू, स्विफ्ट के थ्रू। ये सारे सेंट्रल बैंक्स ने मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है जिसके थ्रू ये ऑपरेट करते हैं। अब होता क्या है, जब स्विफ्ट में, मतलब स्विफ्ट में होता क्या है, ये जैसे जिस कंट्री को मार्क होता है, इसकी जो आर्म है, यहाँ से जो भी पैसा इसकी साइड जाना है, ठीक है, यहाँ पे बैरियर्स एक तरह से लगा दिए जाते हैं हर पैसे पे, एक एक पैसे पे, मतलब अब कोई भी तुम्हारा बाहर से पैसा भेजना चाहेगा, तुम्हारी सरकार को हर पैसे के लिए जवाब देना पड़ेगा कि अच्छा ये पैसा हम क्यों अप्रूव करें, ये पैसा क्यों अप्रूव करें, ये पैसा क्यों अप्रूव करें। तो जैसे कि हमारी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए हम एफडीआई भी सीख करते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे इंडिया में आए, तो इसके लिए तो अल्टीमेटली ये डॉलर्स में बाहर से पैसा आ रहा है, ये सब कुछ भी रुक जाता है, ठीक है,
तो कोई भी बड़ी ट्रांजैक्शन कैरी आउट नहीं हो पाती, छोटी छोटी हो सकती हैं, बड़ी ट्रांजैक्शंस कोई भी नहीं हो सकती। तो इस कारण देश हमेशा कोशिश करते हैं कि ग्रे लिस्ट में सिर्फ चेकिंग शुरू होती है, ब्लैक लिस्ट में जो कंट्री आ गई, ब्लैक लिस्ट में पैसा ही आना रुक जाता है, एक बस मैक्सिमम थ्रेशोल्ड होता है कि इतना पैसा आ सकता है, उसके बाद बस पैसा ही नहीं आ सकता। इस कारण पाकिस्तान बहुत टाइम से अपने आप को ब्लैक लिस्ट से तो बचा रहा है, बिकॉज उसका एक बेस्ट फ्रेंड बैठा हुआ चाइना, उसे बचाने के लिए। पर बाकी इस ब्लैक लिस्ट में एक बार अगर पाकिस्तान फंस गया तो उसका बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जब तक वो अपना पूरा टेरर का इंफ्रास्ट्रक्चर डिसमेंटल नहीं करता। अभी भी पाकिस्तान को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जैसे कि उसे वहां पे बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस क्रिएट हुई पड़ी है, पिछले 3 साल हो गए अब तो, बस मुश्किल से इधर उधर से पैसा मांग के वो जिंदगी काट रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस 2017 में शुरू हो गए थे, तो तुम्हारे सऊदी अरेबिया ने, चाइना ने, यूएई ने, जो उसके कुछ फेवरेबल कंट्रीज हैं, इन सब ने कुछ कुछ पैसे दे दिए या क्रेडिट लाइन दे दी कि चलो तुम हमसे सामान खरीद लो, हम तुमसे पैसे नहीं लेंगे, ऐसे कह के सार दिया। पर उसे अल्टीमेटली आईएमएफ की कहीं ना कहीं मदद लेनी पड़ेगी। अभी भी थोड़े पैसे लिए हैं पिछले साल, पर जो सबसे बड़ी, सिर्फ आईएमएफ ने जितना टोटल उन्होंने पैसा मांगा था उसका सिर्फ 25% रिलीज किया है, बाकी 75% एफएटीएफ के कारण फंसा पड़ा है। अगर जब तक वो अपने आप को एफएटीएफ से क्लियरेंस नहीं दिलाता, ये सारा पैसा कैसे आएगा? तो इस कारण पाकिस्तान बहुत बड़ी मुसीबत में, ठीक है? यही बना हुआ है, इसे ओरिजिनली G7 ग्रुप ने बनवाया था, ठीक है? जो पहले मनी लॉन्ड्रिंग का काम था, बाद में इसमें टेरर फाइनेंसिंग भी 2001 से जोड़ दी गई, जब 9/11 हुआ था तुम्हारा, उसके बाद से टेरर फाइनेंसिंग भी इसके अंदर टॉपिक जोड़ दिया गया। तो ये सारे के सारे चीजें ही इसके अंदर कवर की गई हैं, यही पॉइंट्स लिखे हुए हैं सारे के सारे। एक चीज और जो इस न्यूज़ में मेंशन थी, छोटा सा करके बस ये लिखा हुआ था, UNSC 1267। बेसिकली एक इंडिया का कॉन्ट्रैक्टर है अफगानिस्तान में, असली कनेक्शन क्या है, क्या रीजन है उसे टारगेट करने का, वो अलग चीज है। हो सकता है कि क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया भी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही चुप बैठे रहते हैं। तो इंडिया का एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसे पाकिस्तान टेररिस्ट के तौर पे मार्क करवाना चाहता था, मतलब वहां पे वो वैसे उसका ऑफिशियल बिजनेस अफगानिस्तान में कंस्ट्रक्शन करवाने का है, पाकिस्तान उसे टेररिस्ट मार्क करवाना चाहता था, ठीक है? तो हमारे यूएसए ने वीटो करके उसे टेररिस्ट मार्क करने से रोक दिया। वीटो तो मैं थोड़े दिन पहले यूएनएससी की मैंने लिस्ट में बताया था, तो यूएनएससी की एक नंबर, एक ना रेजोल्यूशन है, इसे कहते हैं UNSC Resolution 1267। इसके अंडर क्या होता है, तुमने दुनिया में कोई भी टेररिस्ट, ठीक है, जैसे हमने टेररिस्ट या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे उसामा बिन लादेन भी इसके अंडर मार्क था, ठीक है? फिर जो जैश ए मोहम्मद जैसे हमारे अगेंस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, या लश्कर ए तैयबा या तालिबान, वो सारे इसके अंडर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और उनके लीडर्स, मसूद अजहर जैसे इसके अंडर टेररिस्ट मार्क्ड है, ठीक है? 1267 के अंडर जब इस लिस्ट में किसी भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाता है ना, वो एक तरह से इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है, बिकॉज यूनाइटेड नेशंस की लिस्ट है, वो पूरी दुनिया में एज अ टेररिस्ट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मार्क हो जाती है। तो पाकिस्तान की कोशिश थी हम एक इंडिया की भी मार्क करवा दे, क्योंकि हमने उनकी जैश ए मोहम्मद भी करवा दी, लश्कर ए तैयबा भी करवा दी, जो इंडिया के अगेंस्ट काम करती हैं। तो पर यूएसए ने रोक लिया, बिकॉज यूएनएससी, मैंने तुम्हें बताया था, परमानेंट फाइव के पास, P5 जो कंट्रीज हैं, यूएसए, फ्रांस, चाइना, रशिया और कौन से, मैं भूल गया, यूके, इन सबके पास तुम्हारे वीटो पावर होती है, ठीक है? तो वीटो से ये कोई भी वोट रोक सकते हैं, क्लियर? तो तुम्हें डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, UNSC 1267 किस चीज से डील करती है?
तो वहां पे तुमने टेररिस्ट या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का ऑप्शन होगा, वो मार्क करके आना है, वो ऑप्शन सही होगा। क्लियर है? नेक्स्ट इज तुम्हारी मैंगनीज माइनिंग। तो बेसिकली चाइना के चलते, चाइना और इंडिया की जो कंट्रोवर्सी चल रही है, उसमें चाइना कोल 3 माइनिंग कंपनी थी एक इंडिया में, जो मध्य प्रदेश में तुम्हारी मैंगनीज की माइनिंग कर रही थी, उसकी भी इस टाइम कॉन्ट्रैक्ट होल्ड दिए गए। प्लस वो कुछ इंडियंस के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे ऑन साइट्स पे, तो उसका भी केस सामने आया। तो इसका सबसे पहले तो एक इस न्यूज से एक फैक्ट निकल के आता है, जो यहाँ पे माइन है ना बरेली बालाघाट मध्य प्रदेश में, ये एशिया की डीपेस्ट मैंगनीज माइन है। तो तुम्हें ये भी आ सकता है डीपेस्ट मैंगनीज माइन ऑफ एशिया कहाँ पे है, उसका आंसर होगा बरेली या बालाघाट करके लिखा होगा, मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य, ठीक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक होगी, सॉरी, ये वाला ही कर, ठीक है। नेक्स्ट इज मैंगनीज रिजर्व्स इन इंडिया। ये देखो, ये मैंगनीज कभी भी फ्री एलिमेंट के तौर पे नेचर में नहीं पाया जाता, यानी कि किसी ना किसी के साथ ये हमेशा रिएक्ट करके कंपाउंड बना के बैठा होगा, यानी किसी और के साथ जुड़ा हुआ पाया जाएगा, हमें बाद में उसे अलग करना पड़ेगा, ठीक है। ऑफन ये आयरन के साथ पाया जाता है, यानी कि मैंगनीज और आयरन एक साथ रिएक्ट करके अर्थ के अंदर पाए जाते हैं, फिर हम आयरन उससे अलग कर लेते हैं और मैंगनीज अलग कर लेते हैं। तो ये तो चलो आगे और है, और जैसे क्वेश्चन नहीं आते होते। उसके बाद मैंगनीज की प्राइमरी यूजेज आयरन और स्टील इंडस्ट्री में ही है, ये रॉ मटेरियल है स्टील अलॉयज बनाने के लिए, ठीक है। 6 किलोग्राम ऑफ मैंगनीज और चाहिए होता है 1 टन स्टील बनाने के लिए, ये फैक्ट होते हैं, ऐसे फैक्ट डायरेक्टली स्टेटमेंट बन जाते हैं, ठीक है। कि 6 किलो मैंगनीज यूज होता है 1 टन, जब तुमने बेसिकली जो स्टील होता है, स्टील नेचर में नहीं पाया जाता, ये एक अलॉय है। अलॉय का क्या मतलब होता है, बहुत सारे मेटल्स को मिक्स करके फिर बनता है, ठीक है। थोड़ा कॉम्पोजिशन आयरन की होती है, थोड़ी मैंगनीज की होती है, और कुछ मेटल्स को मिक्स जब किया जाएगा तब जाके स्टील तैयार होगा। तो 6 किलोग्राम जब मैंगनीज मिक्स होता है पूरे मिक्सचर में, तब 1 टन स्टील निकलता है। मतलब अल्टीमेटली 1 टन स्टील बनाने के लिए तुम्हें 6 किलोग्राम मैंगनीज तो चाहिए ही चाहिए। और क्या क्या बनाया जाता है, इसे ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड, पेंट्स, बैटरीज, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे साइंस एंड टेक के बन के आए थे कि मैंगनीज कहाँ कहाँ यूज होता है। तो स्टील बनाने के लिए यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, इंसेक्टिसाइड, पेंट्स, बैटरीज, ऐसी चीजें बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद इंडिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्व होल्डर है आफ्टर जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे में दुनिया के सबसे बड़े रिजर्व है। रिजर्व का मतलब ये नहीं होता कि तुम बना रहे हो उतने, रिजर्व का मतलब होता है कि तुम्हारे पास भंडार अर्थ के अंदर कितना दबा हुआ है, जो वेरीफाइड है कि हाँ इतना मैंगनीज है। तो दुनिया में सबसे बड़ा जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे के पास है, पर जिम्बाब्वे की प्रॉब्लम क्या है, जिम्बाब्वे के पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है, जो इंडियन इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते नहीं है रिसोर्स कर्स, वो यही है। जिम्बाब्वे भरा पड़ा है इस रिजर्व से, पर उसके पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है इसे एक्सट्रैक्ट करने की, जो ह्यूमन कैपिटल चाहिए इस रिसोर्स को बनाने के लिए, ठीक है। इंडिया 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। देखो रिजर्व में हम 2nd लार्जेस्ट थे, यानी कि 2nd लार्जेस्ट पड़ा है, पर अभी हम इतना निकाल ही नहीं रहे हैं, जिसके कारण हम 5th लार्जेस्ट हैं। सबसे ज्यादा चाइना प्रोड्यूस करता है, उसके बाद गेबन, फिर साउथ अफ्रीका, फिर ऑस्ट्रेलिया, और 5वें नंबर पे हैं हम। क्लियर? इंडिया में महाराष्ट्र सबसे आगे, फिर मध्य प्रदेश और फिर उड़ीसा, ये 3 के मतलब नाम याद रख लो बस, बाकी नहीं याद रखने की जरूरत, 3 ही नाम बहुत होते हैं। मेजर मैंगनीज और प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र प्रोड्यूस करता है, फिर मध्य प्रदेश और फिर उड़ीसा, ठीक है। इनमें से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सिर्फ 2 स्टेट्स 50% से ज्यादा प्रोड्यूस करती हैं, मतलब जितनी हमारी टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी है 50% से ज्यादा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ही प्रोड्यूस करते हैं।
पर जब रिजर्व्स की बात की जाएगी, इंडिया में सबसे बड़ा रिजर्व ओडिशा के पास है 44%, फॉलोड बाय कर्नाटका। कर्नाटका इस लिस्ट में देखो सबसे पीछे लिखा हुआ था, 5वें नंबर पे लिखा हुआ था, पर सेकंड सबसे बड़ा रिजर्व है। वही मैंने तुम्हें बोला बताया, रिजर्व होने और उसे प्रोड्यूस करने में फर्क होता है। रिजर्व का मतलब है कि वो अभी अर्थ के अंदर बस दबा हुआ है, प्रोड्यूस जब करना शुरू करेंगे तभी उसका एक्चुअल यूज आएगा। तो बहुत सारे रीजन है जिसके कारण हम नहीं प्रोड्यूस कर रहे, मतलब कई एरियाज ही अभी नक्सलवादियों के इफेक्ट में है, तो वहां पे लोगों की जान जाने का डर होता है। इस कारण ऐसी जगहों पे माइनिंग नहीं की जाती, और ऐसी माइन अगर नक्सलवादियों के हाथ लग गई तो वो ब्लैक मार्केट में बेच के बहुत अमीर हो जाएंगे। तो इस कारण काफी सोच समझ के ऐसे एरियाज में माइनिंग करनी पड़ती है। फिर ना, एक पेड़ की स्पीशीज के बारे आज बताया हुआ था, सिरिस। सिरिस है कि एक मॉडरेट साइज, यानी कि ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, ठीक है, डेसीडुअस ट्री है, जिसे अगर खुली जगह मिले ग्रो करने की तो रफली ब्राउन शॉर्टर ट्रंक के तौर पे, मतलब छोटी हाइट का पर चौड़ा पेड़ बनता होता है, ठीक है, मतलब आसपास ज्यादा फैल जाएगा, हाइट मॉडरेट ही रहेगी, फैल बहुत लंबे उसमें जाएगा, ठीक है। तो अगर इसे फॉरेस्ट में, पर जब ये उगता है, यहाँ पे तो स्पेस, मतलब शहरों में ही से ज्यादातर स्पेस मिल सकती है कि एक पेड़ पूरे, जैसे पूरे पार्क में एक पेड़ लग गया तो पूरी खुली जगह मिल रही है, पर जंगल में तो पेड़ बहुत ही पास पास होते हैं, वहां पे इसे सनलाइट के लिए जब कम्पीट करना पड़ता है ना, वहां पे ये अपनी हाइट लंबी कर लेता है, बिकॉज नीचे रह जाएगा तो बाकी सारे पेड़ों की केनोपी इसके ऊपर आ जाएगी, तो इसे अपने आप लाइट कम मिलेगी। अगर इसे लाइट चाहिए तो इसे भी लंबा ग्रो करना पड़ेगा। द रिच डार्क हार्टवुड ट्री वॉज एलिगेंटली स्ट्रीट एंड एक्सटेंसिवली एक्सपोर्टेड टू यूरोप एज ईस्ट इंडियन वॉलनट और कोको। तुम्हें डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, ईस्ट इंडियन वॉलनट किस किस पेड़ को बोला जाता है। वॉलनट पेड़ वैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स ने आके उगाया था, इंडियन वैरायटी नहीं है, पर एक इंडियन पेड़ को, ईस्ट इंडियन वॉलनट किस पेड़ को बोला जाता है, ये तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, उसका आंसर होगा सिरिस, ठीक है। इन जनरल द केनोपी इज ब्रॉड एंड शेड गिविंग। फ्रूट जो इसके होते हैं, इस पे फ्रूट भी उगते हैं पर वो लॉन्ग और फ्लैट होते हैं, ठीक है, ऐसे सीधे और ज्यादा थिकनेस में नहीं होते। इसमें इसकी जो रूट्स होती हैं वो शैलो होती हैं। देखो शैलो रूट्स का नुकसान क्या है, इसका एग्जांपल है डेजर्ट वाले जो तुम्हारे प्लांट्स होते हैं, जो रेगिस्तान में, जैसे तुम्हारे वहां वहां पे जो बड़े बड़े कैक्टस, मतलब कैक्टस उग रहे होते हैं, उनसे समझने वाली चीज है, वो क्या करते हैं, एक तो जड़ों का डीप, वो हमेशा जड़ों से डीप जाते हैं, मतलब एक इसका भी एग्जांपल बताता हूँ, दूसरा एक पानी वालों का भी बताऊंगा, ये डेजर्ट प्लांट्स के एग्जांपल है। इन्हें क्या होता है कि जब ये नीचे तक जाते हैं, बेसिकली यहाँ पे इन्हें थोड़ा बहुत पानी मिलने का चांस होता है, तो यहाँ से जितना ये डीप जाएंगे अपनी रूट्स लेके, उतना ज्यादा चांस है इन्हें पानी मिलने का। तो एक तो बहुत ही एक्सटेंसिव नेटवर्क से ये पानी ढूंढ लेते हैं अपने लिए, डेजर्ट प्लांट्स की बात कर रहा हूँ मैं, इस प्लांट की नहीं बात कर रहा, कोई भी कैक्टस कुछ भी लगा लो, उनकी जड़ें बहुत ही डीप तक जाती हैं और बहुत फैलती हैं, ठीक है। वो इसलिए ही होता है क्योंकि पानी, थोड़ा सा भी मॉइस्चर, जो भी मॉइस्चर तक हो तुम्हारी सॉइल में, वो भी निकाल पाए, ठीक है। दूसरी साइड पे एक तुम्हारे पेड़ होते हैं मैनग्रूव, जिन्हें कहते हैं मैनग्रूव्स। कहाँ पे उगते हैं, जहां पे थोड़ा सा शैलो पानी होता है, मतलब जमीन भी हो और थोड़ा सा, जैसे 1 या 2 फुट पानी हो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ऐसे एरियाज में मैनग्रूव्स उग जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं ये। इनकी जड़ें पहले तो नीचे को जाती हैं, फिर ऊपर को भी आ जाती हैं। इनका भी बहुत ही एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है। अब होता क्या है, मैनग्रूव्स हम इंपॉर्टेंट अपने, मतलब मैनग्रोव स्पेसिफिकली मैं क्यों बता रहा हूँ, मैनग्रोव क्यों इंपॉर्टेंट है,
इन्हें ना साइक्लोन जब तूफान आते हैं तुम्हारे को, ये कोस्टल एरियाज पे पाए जाते हैं ज्यादातर, जहाँ पे समुन्दर का पानी और नदी का पानी दोनों मिक्स होके थोड़ा सा सबमर्ज्ड लैंड बना देते हैं, वहां पे मैंग्रोव्स उग जाते हैं। फोटो सर्च करना मैंग्रोव्स की, तुम्हें समझ आ जाएगा कैसे दिखते हैं, ये सारा रूट नेटवर्क सब कुछ दिख जाएगा। ठीक है? जो हाँ जी, चिल्का लेक है वो इसके लिए फेमस है ना? हाँ, शिल्का लेक में भी ये उगते हैं। शिल्का लेक बेसिकली, और भी वहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती हैं, मैनग्रूव्स भी वहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब वो और अपनी स्पीशीज के लिए भी फेमस है, और वो भी मतलब एक तरह से तुम कह सकते हो ब्रैकिश पानी होल्ड करता है। ब्रैकिश का मतलब एक साइड से फ्रेश आ रहा है और एक साइड से तुम्हारा सेलाइन यानी कि समुद्र का नमक पानी भी आ रहा है, तो दोनों मिक्स हो जाते हैं, एक साइड से फ्रेश पानी मिक्स हो रहा है वो भी। जहाँ पे भी ऐसी कंडीशन बनेगी जहाँ पे फ्रेश वाटर भी आ रहा है एक साइड से और सॉल्ट वाटर भी आ रहा है, और 1 या 2 फुट में ऐसे इकट्ठा हो गया वो पानी, वहां पे मैनग्रूव्स के लिए वो आइडियल कंडीशन बन जाती है ग्रो करने की। मैनग्रूव्स हमारे ऑलमोस्ट सारे इंडियन कोस्ट पे पाए जाते हैं, मतलब सारी जितनी भी कोस्टल स्टेट्स हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सारे समुद्र के साथ पाए जाते हैं, सारी कोस्टल स्टेट्स में ज्यादातर में पाए जाते हैं मैनग्रूव्स। तो ये मैनग्रूव्स क्यों इंपॉर्टेंट माने जाते हैं? मैनग्रूव्स बेसिकली जब भी तूफान आते हैं, साइक्लोन जैसी चीजें आती हैं, ये उनके अगेंस्ट ना बहुत अच्छे बैरियर साबित होते हैं, बिकॉज जितनी इनकी डीप रूट्स होंगी और जितने ज्यादा ये पेड़ होंगे ना, उतनी ये हवा की स्पीड को तोड़ देते हैं बिना ये पेड़ उखड़े, क्योंकि तो इनकी रूट्स बहुत डीप होती हैं, ये पेड़ उखड़ते नहीं है। सिरिस प्लांट में यही प्रॉब्लम है, जब इसकी रूट शैलो हैं तो कई बार जब तेज हवा भी चलती है, बहुत ज्यादा तेज हवा चलती है, ये प्लांट उखड़ जाता है। ठीक है, अगली चीज जो समझने वाली है वो है कि जो इसके सीड है, सीड से कई बार पाउडर बनाया जाता है, ट्रेडिशनल जो हमारे घरेलू नुस्खे हैं उससे। लिप्रोसी एक ना इंडिया में स्किन डिजीज है, उसकी दवाई बनाई जाती है इससे। ठीक है, तो तुम्हें पूछा जा सकता है, मतलब डायरेक्ट स्टेटमेंट बन के आ सकता है कि इसकी सीड्स की यूजेज लिप्रोसी की दवाई बनाने में होती है, वो स्टेटमेंट सही होगी। ठीक है, या सिर्फ इतना भी आ गया कि इसके सीड्स मेडिकल पर्पस के लिए यूज होते हैं, वो भी स्टेटमेंट सही होगी। ऐसी स्टेटमेंट्स ऑलमोस्ट हर हमेशा सही ही डाली जाती हैं पेपर में। बार्क, लीव्स, फ्लावर्स और सीड्स जो ये हैं, लिप्रोसी क्या होता है? ये ना एक स्किन डिजीज है, स्किन के ऊपर ना दाने होने लग जाते हैं, क्योर नहीं है इसका। और मैं इसे कैसे समझाऊं, ये एक पैरासाइट से होती होती है, पैरासिटिक है ये। किसी करंट अफेयर में आ जाएगी, इंडिया वन ऑफ दी हाईएस्ट इफेक्टेड प्लेसेस है दुनिया में लिप्रोसी कारण, तो साल में एक आधी बारी किसी ना किसी रिपोर्ट में लिप्रोसी का नाम आता ही होता है, हम लिप्रोसी कहीं ना कहीं तो जरूर पड़ेंगे पड़ेंगे साल में। ठीक है, एंटी एलर्जी मेडिसिन भी इसके थ्रू बनाई जाती है, इसके बार्क को, लीव्स और फ्लावर्स और सीड्स को यूज करके। पर जो इसके फ्लावर्स की कई बार फ्रेग्रेंस है ना, वो तुम्हें ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट दे सकता है, बिकॉज पॉलन्स कई बार जब जाते हैं तो देखो, ये जब पॉलन सीजन होता है, जब फ्लावरिंग हो रही होती है, तब कईयों को ब्रीदिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, वो इसकी फ्रेग्रेंस से भी हो सकती है। ठीक है, इसकी फ्रेग्रेंस इतनी प्लेजेंट नहीं है। क्लियर, ये थे आज के सारे करंट अफेयर्स। इन करंट अफेयर्स में कोई डाउट है तो पूछो, ये वालों में, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, इनमें कोई डाउट है तो। नहीं, डेसिडुअस ट्री कौन से थे? क्या चीज? जो डेसिडुअस ट्री होते हैं, डेसिडुअस जो पत्ते झाड़ते हैं, एवरग्रीन होते हैं, जिनमें कभी पतझड़ का, मतलब डेसिडुअस का मतलब होता है जिनमें पतझड़ का मौसम आता है। ठीक है, साल में एक बार ये अपने सारे पत्ते झाड़ेंगे और फिर से नए पत्ते उगाएंगे। जैसे हमारे ज्यादातर जो इंडिया में पेड़ है वो डेसिडुअस ही है, पर कई ऐसे भी होते हैं ना, जैसे पहाड़ों में कई बार पाए जाते हैं, वो सारा साल ही हरे रहते हैं, चाहे बर्फ गिरे चाहे कुछ भी हो, उन्हें एवरग्रीन बोला जाता है, वो हमेशा हरे रहते हैं। ठीक है, इस बैंड के बारे में थोड़ा सा बताओ। किस बारे? स्विस बैंक। स्विस बैंक? यस।
स्विस बैंक भी एक तुम्हारी मनी लॉन्ड्रिंग की जगह ही है, ठीक है, वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, पर अब स्विस बैंक पहले से काफी ओपन होने लग गए हैं, वो पहले से ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने लग गए हैं, इंडिया ने उनके साथ ट्रीटी साइन कर ली थी, तो इस कारण अब स्विस अकाउंट्स में इतना ज्यादा पैसा इंडियंस नहीं होल्ड करते, उससे बेटर जगहें एग्जिस्ट करती हैं, जैसे पनामा और तुम्हारा साइप्रस, ये ऐसे कुछ देश हैं, और छोटे छोटे देश हैं, बहुत ही छोटे देश हैं, तो इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है ही मनी लॉन्ड्रिंग, तो ये ऐसी ऐसी जगहों से ही पैसे कमाते हैं, ठीक है। हाँ जी करण, आपके सवाल पूछ रहे थे सर। नहीं नहीं ये तो बहुत पुराना पेड़ है, ये तो बाय चांस किसी ने आज खबर, मतलब एक आर्टिकल डाला हुआ था कि मतलब उसने तो अपना लाइफ का एक्सपीरियंस बताया कि मैं बचपन में मैं देखता होता था कि दिल्ली में पेड़ कहाँ कहाँ उगा हुआ है, मतलब उसके कारण। अब देखो वो कहानी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके बचपन का जो मर्जी एक्सपीरियंस हो, हमारे लिए पेड़ इम्पोर्टेंट था, उसने पेड़ को, पेड़ डेसीडुअस है, उसके इतनी हाइट तक होता है, ऐसी चीजें भी डिस्क्राइब की थी, तो कोई एग्जामिनर पढ़ रहा होगा तो उसने उससे क्वेश्चन बना लेना, तो कैसे कहानी से हमारे लिए क्वेश्चन निकलते हैं हमने ये देखना जरूरी है, ठीक है। ये कोई नया डिस्कवर नहीं हुआ, ये पुराना ही है, बहुत पुराना पेड़ है। मतलब ब्रिटिशर्स इसे जब नाम देते थे कि ईस्ट इंडिया वॉलनट का, तो ऑब्वियसली ये ब्रिटिशर्स के टाइम भी एग्जिस्ट करता रहा। हाँ जी जय, आप क्वेश्चन पूछ रहे थे। सर स्विस बैंक हर कोई थोड़ी ना खोल सकता है, मतलब बिजनेसमैन ही खोलते हैं ज्यादातर। बिल्कुल, बिजनेसमैन भी नहीं खोलते होते क्योंकि तुम डायरेक्टली ऐसे पेपर नहीं फाइल कर सकते होते, तुम्हें गवर्नमेंट को हमेशा डिस्क्लोजर देना होता है कि तुम्हारे कितने फॉरेन अकाउंट्स हैं, तो फेक फॉर्म्स बनाई जाती हैं, फेक नेम्स बनाए जाते हैं जिनके नाम पे ऐसे अकाउंट्स ओपन होते होते हैं, ठीक है, तभी तो, नहीं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास तो सारे रिकॉर्ड एग्जिस्ट करे किन किन के अकाउंट कहाँ पे है, किस कंट्री में है, तो ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली, ऐसा तो वैसे ही बंदा पकड़ा जाए, तो इनडायरेक्टली ये सारे काम किए जाते हैं, इनके लिए स्पेशल लोग, लोगों का प्रोफेशन ही है कि लोगों को ऐसी चीजों की सलाहें देना, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में सिलेक्ट होते हैं वो हर चीज इसे डिटेल में पढ़ाएंगे, ये कैसे ट्रैक करना है ये पैसा, ठीक है। ये थे आज के करंट अफेयर्स।